गुड मॉर्निंग अरुण सर। कैसे सर? आशीर्वाद है सर, 5 मिनट लग रहे पर ये कहने की कोशिश करिए, देखिए वो उसमें हमारे नेट आपके नेट का कहीं स्लो हो, क्योंकि वीडियो के साथ में कहीं वो दिक्कत करेगा फिर बाद में, क्योंकि आपका वीडियो भी अटक रहा है और आवाज भी थोड़ी सी कट कट के आ रही है। हाँ सर, ऑन कर दिया मैंने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेंटर फॉर रोड सेफ्टी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी द्वारा 6 दिवस के जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके चौथे दिन पे आज हम एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज लेके आए हैं फ्रॉम ऐसे रोड सेफ्टी। मैं आज हमारे बीच में आधार फाउंडेशन के श्री नारायण सिंह जी हैं, हमारे साथ सेंटर के OIC अरुण शर्मा जी जुड़े हैं और हितेश उसका मंच का संचालन कर रहे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ और भी वक्ता और हम इस टाइम यूट्यूब पे लाइव हैं। तो मैं अब हितेश से पूछूंगी, कृपया करके हमारे गेस्ट का और हमारे एक्सपर्ट लेक्चर जो आज देने वाले नारायण सिंह जी का वेलकम कर रहे हैं, और साथ में उनके बारे में एक ब्रीफ बायो दें। मैं ये भी एक उनको बधाई देना चाहूंगी इससे पहले नारायण सिंह जी को, क्योंकि अभी वो उनको एक गुड समरिटन का अवार्ड भी मिला है उनके रोड सेफ्टी के लिए जो कार्य हैं उनके लिए बधाई देना चाहूंगी, और चाहूंगी कि इसी तरह के कार्यों के लिए उनको और अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलते रहें, और हमारे सेंटर के साथ भी उनका कार्य सेंटर के साथ में आप अगर आगे तक काम करेंगे तो धन्यवाद हमारा। तो ओवर टू हितेश। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस चैप्टर को जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं सर, सड़क सुरक्षा मतलब सड़क पर सुरक्षा, स्वयं की रक्षा। जनरली लोग सड़क सुरक्षा को गलत मीनिंग से समझते नहीं है। एक्चुअली में कमी जो है वो एजुकेशन की कमी है। लोगों को नहीं पता सड़क सुरक्षा क्या है, उनको लगता है कि सड़क की सुरक्षा करना है। जब भी मैं कहीं लेक्चर देने जाता हूँ, कहीं बात करता हूँ स्टूडेंट्स में, बड़ों में, सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट्स में,
जब हम लोगों से बात करते हैं, ये हम सड़क सुरक्षा की बात करने आए, तो उनको लगता है कि हम सड़क की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि सड़क पर सुरक्षा, सड़क पर स्वयं की रक्षा करनी है, नॉट सड़क की रक्षा। मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर हर लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्र सभी लोग पढ़ते हैं, क्या मुझे एक भी शख्स, एक भी दिन का पेपर ऐसा है जिस दिन की सूचना सड़क एक्सीडेंट की नहीं आई हो या रोड एक्सीडेंट की न्यूज नहीं आई हो उसमें? मेरे ख्याल से एक भी दिन का न्यूज़पेपर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर रोड एक्सीडेंट की न्यूज नहीं आई है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपसे सड़क दुर्घटनाओं की, तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि सड़क दुर्घटना क्या है, क्यों होती है। और हमारे दिमाग में जनरली एक ही चीज होती है कि सड़क उपयोगकर्ता जो गाड़ी चला रहा है वो सड़क उपयोगकर्ता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, सड़क उपयोगकर्ता में हम उन सभी वस्तुओं को ले सकते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में सड़क को उपयोग किया हुआ है, सड़क को एक बार किया हुआ है। पशु है, सड़क उपयोगकर्ता है, एक लोरी वाला है, सड़क उपयोगकर्ता है, एक गाड़ी ले लोहार जो सड़क किनारे बैठते हैं, सड़क उपयोगकर्ता है, एक बैंड वाला जो बैंड के साथ चलता है ब्याह शादी में, वो सड़क उपयोगकर्ता है, बैंड वाले के साथ में जो सिर पे लालटेन वगैरह लेके चलते हैं, दे आर ऑल्सो सड़क उपयोगकर्ता, रोड यूजर्स। छोटी छोटी चीजें जो सामान पर फुटपाथ पे जो लोग बेचते हैं वो सड़क उपयोगकर्ता है, खोमचे वाले वो सड़क उपयोगकर्ता है, एक आइसक्रीम वाला है वो सड़क उपयोगकर्ता है, जो सब्जी फल फ्रूट बेच रहे हैं वो सड़क उपयोगकर्ता है, एक मटकी बेचने वाला जो सड़क किनारे, उसकी जानकारी नहीं थी, उसकी शिक्षा उसके पास नहीं थी, उसकी एजुकेशन उसके पास नहीं थी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती क्यों है। सड़क दुर्घटनाएं होती क्यों है, तो हम सबसे पहले कारण को ढूंढना है। हम बचाव बाद में करेंगे, हम उसको रोकने की चीजें बाद में करेंगे, हम उसका केयर बाद में करेंगे। पहले हम ये ढूंढें कि उसका कारण क्या है। सबसे पहले हम कारणों पर जाएं, बचाव तो बाद की चीज है, उपाय बाद की चीज है, इलाज बाद की चीज है। सबसे पहले हम कारण पर जाएं। तो जब हमने इन चीजों में अंदर घुसने की कोशिश करी तो जब देखा तो पता चला कि एजुकेशन, शिक्षा का अभाव है। तो हम सबसे पहले उसको कोशिश, जब बच्चा छोटा होता है बड़ा होता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसकी एजुकेशन परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर्स बनेगा। क्या हम सड़क के साथ ऐसा नहीं कर सकते? तो हमने सबसे पहले टॉपिक जो लिया था, चैप्टर जो लिया था एजुकेशन, तो शिक्षा, हम सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन। सड़क पर चलने का फर्स्ट अधिकार किसको है, किस दिशा में चलना है, क्या भाषाएं होती है सड़क की, कुछ मूक भाषाएं होती है, कौन होगा वो उनको नहीं पता। सड़क पर चलने समय लेन बदलने का राइट ऑफ वे क्या है, ये किसी को नहीं पता। स्कूल के बच्चे को जब अपनी माँ स्कूल से लेने जाती है या छोड़ने जाती है तब उनको किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ये उन्हें नहीं पता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एजुकेशन के अभाव में, इन सब चीजों को बहुत गहरी सोच की जरूरत है, बहुत गहरी तरफ से उनको स्टडी करने की जरूरत है। दूसरा हम आते हैं वाहनों की इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को व्हीकल। अब क्योंकि आज बाजार में तरह तरह की गाड़ियां उपलब्ध हैं, किस गाड़ियों में क्या फैसिलिटीज है, किस गाड़ियों में क्या सेफ्टी फीचर्स है, ये किसी को नहीं पता। और जब किसी को पता ही नहीं है तो आप उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सड़कों की इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग रोड, बहुत सी बार सरकार बहुत कोशिश कर रही है, ब्लैक स्पॉट्स की कोशिश कर रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स की कोशिश कर रहे हैं, कर्व ऑफ रोड की कोशिश कर रहे हैं, विजन ऑब्स्ट्रक्शंस की हम बात करते हैं। हम उसको तीन चार एंगल से देखते हैं। जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस स्टेज पर जाकर हम काफी रिसर्च करते हैं, हम वहां पर ये देखते हैं कि बस के ड्राइवर को दिख रहा था तो उसने उस लेवल को क्यों नजरअंदाज किया। तो जब हमने उसी लेवल को तीन जगह से हम उसको स्टडी करते हैं, ट्रैफिक
ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और कार ड्राइवर को, तो हमको पता चलता है कि ब्लाइंड स्पोर्ट्स क्यों है। फिर हम आते हैं इन्फोर्समेंट, कड़े कानून। तो हम कड़े कानून को थोड़ा सा पीछे रख के और चेंज ऑफ बिहेवियर की बात करें, अपनी आदतों को बदलो। इन्फोर्समेंट में सर हम एक या दो बार पेनल्टी लगा देंगे, तीन बार पेनल्टी लगा देंगे। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग पेनल्टी के डर से वो बीवियां जो करवा चौथ का व्रत तो करती है लेकिन रोड सेफ्टी के नाम पे हेलमेट, तो जैसे ही कोई उसको ट्रैफिक पुलिस वाला दिखेगा और हेलमेट उसके सिर पे चिपका देगी, वो डर है, आदत नहीं है। तो हम इन्फोर्समेंट की जगह आदत लेके आए, उसके आदत को, उसके बिहेवियर को चेंज करें ताकि जब वो घर से निकले, सब्जी लेने के लिए निकले, दूध लेने के लिए निकले, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकले, तो उसको हेलमेट लगाने की आदत हो। जिस तरह से आदमी नहाने के बाद घर से निकलता है, अपना चश्मा नहीं भूलता है, अपनी घड़ी नहीं भूलता है, अपना मोबाइल नहीं भूलता है, उसी तरह से उसको ये आदत बनानी है। कोई बोलेगा उठा के साइड में ले आओ, कोई बोलेगा आगे रख दो, कोई बोलेगा पीछे रख दो, कोई बोलेगा एक काम करो यार जोर जोर से चिल्ला रहा है तो इसको दवाई दे दो। तो इस तरह से चलते चलते लोग अलग अलग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने की जहमत कोई नहीं उठाता है। मौसम की खराबी, सर्दी, गर्मी, बारिश, तो जनरली लोग इन सब चीजों में भी अपने आप को अनकंफर्टेबल चला सकते हैं। तो मौसम का इन्वॉल्वमेंट होना भी एक अपना में, जैसे सवेरे के समय फॉग हो रहा है, धुंध हो रही है, गर्मी में जो डामर है वो स्लिपरीज होती है, आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक जब लगाते हो तो गाड़ी को स्किड करके आगे जाके रुकती है, सर्दी में थोड़ी सी ब्रेक एफिशिएंसी कम होती है। हम छोटी मोटी चीजों पर कल्पना करेंगे और हाउ टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाओं को हम कैसे कमी ला सकते हैं। जैसा कि सबको पता है 150,000 लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। मीन्स आज शाम को हम लोग जब खाना खा के घर जाके सोएंगे तब तक 400 लोग मर चुके होंगे, उसमें किसी का भाई होगा, बहन होगा, काका होगा, बाबा होगा, भतीजा होगा। और क्योंकि मैंने बहुत करीब से रोड एक्सीडेंट्स को देखा है, पता है कि फीलिंग्स क्या होती है। जब कोई सूचना आती है टेलीफोन की, मोबाइल पर, कि भैया कहाँ हो, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उस घर की मनस्थिति को मैंने बहुत करीब से देखा है। वो घर, वो परिस्थितियां एकदम बदल जाती हैं। उन परिस्थितियों को चेंज करने के लिए हम काफी कुछ प्रयास करते हैं। उस एक्सीडेंट विक्टिम्स घायल को लेके हॉस्पिटल भागते हैं, उसकी जेब में पैसा है या नहीं है, हॉस्पिटल में बोला 50,000 जमा कराओ, इमीडिएट जमा करा दिए, 1,00,000 जमा कराओ, इमीडिएट जमा करा दिए। अभी रिसेंटली ये केस मैंने पैसिफिक हॉस्पिटल में गोद लिया था। आपको मैं बताऊं, उसकी परिस्थिति ये थी कि वो व्यक्ति पिछले 45 दिन से कोमा में था। उसकी गलती ये थी कि हमारे पास में चीरवा घाटा एक टनल है, नादवारा से उदयपुर आ रहा था विदाउट हेलमेट, पीछे से कार वाले ने उसको टक्कर मारी, वो उछल के बैरिकेड से टकराया, टकराने के बाद जब नीचे गिरा हेड इंजरी हुई। उसकी पत्नी रोने लगी, 45 दिन बाद उसकी पत्नी का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने सुना है कि आप कुछ फैमिलीज को अडॉप्ट करते हो, गोद लेते हो, तो सर मेरी स्थिति बहुत खराब है, 3,00,000 रुपए का खर्चा कर दिया, उसकी लिमिटेशन खत्म हो गई, अब मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो कमाने वाला कौन, बोले सर अकेले थे, निर्भरता किस किस की है, बोले मैं और हम 4-5 जने इनके ऊपर है। तो उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब हो गई, अब उसे नहीं बचा, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अभी ये ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि कोमा में बैठ चुका है। तो बड़ी खराब स्थिति है, बहुत करीब से हमने जब इसको देखा है, तो हम थोड़ा सा आपको एक जो मार्गदर्शन करेंगे वो आज ये करेंगे कि हमको किस तरह से सड़क पर सुरक्षित चलना है, सुरक्षित रहना है, कौन सी चीजें ऐसी है जो हमको पता नहीं है लेकिन हमको पूरी करनी है। एजुकेशन, कुछ बैठे बैठे नई नई चीजें दिमाग में आती रहती है, मैंने कुछ अलग अलग चीजें चलते रहते हैं हम लोग। ए मेरे शहर के लोग,
मेरे शहर के लोगों, जो घायल हुए हैं उनकी जरा सूझ तुम भी ले लो। कोई बाइक कोई बुलेट पर पानी थी खून से लथपथ सड़के, फिर भी सुरक्षा न अपनाई। तीन चार ने जान गंवाई और भी जान न गंवाए, जो घायल हुए हैं उनकी जरा सूद तुम भी ले लो। सर हम जब करीब से देखते हैं किसी चीज को तो अचानक मन में कुछ अजीब सी चीजें चलने लगती, तो सड़क पर चलने से पूर्व, सड़क पर जाने से पूर्व, सड़क उपयोगकर्ता होने से पूर्व मुझे उन सब चीजों की जानकारी होना अति आवश्यक है कि सड़क पर क्या क्या भाषाएं होती है, सड़क की कौन कौन सी भाषाएं होती है, सड़क पर जो निशान बने रहे उन निशानों का मतलब क्या होता है। जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम अज्ञान होंगे। पता सबको है, अपना तो कोई नहीं है। हम जब तक इन चीजों को नहीं अपनाएंगे तब तक सुरक्षा तो दूर, हम शायद अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। तो आइए हम पहले सड़क की भाषाओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सड़क की कुछ मूक भाषाएं होती है, ऐसी भाषाएं जो बोलती नहीं है लेकिन आपको सब कुछ इशारों में समझाते हैं। तो सड़क पर आने से पहले मुझे सड़क की भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सड़क की भाषाओं के बारे में बात करते हैं। ये जो मीडियंस है ये बीच में कहीं के कट है, तो आगे आपको ध्यान रखना है कि कहीं को और मुझे गाड़ी वो अपने कंट्रोलिंग पावर में लेना है, क्योंकि वो भारत का भविष्य है, हमको उनको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। स्कूल बच्चों को हमको प्राथमिकता दे, बजरी वाली कंक्रीट वाली रोड आगे है सड़क उपयोग करता, आगे ऐसी सड़क है जहां से कंक्रीट और बजरी उछल फेंकती, तो आपको गाड़ी सावधानीपूर्वक चलानी है। डेंजरस डीप, एकदम खड़ा ढलान है, डीप वाला ढलान है। हम ज्यादा अमेरिका से अधिकतर लोगों ने जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है सबको इन चीजों के बारे में अधिकतर तो ज्यादा पता ही होगा। हेयर पिन बैंड है राइट साइड वाला, एक्सेल लोड वगैरह ये सब चीज तो ज्यादातर हमने देखी हुई है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं नेटवर्क, हम स्पीड भी वहीं बढ़ाते हैं, हम हॉर्न भी वहीं बजाते हैं जहां पर लोग काम कर रहे होते हैं। इसको हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा बचाना है, हमको सबकी सुरक्षा करके ही चलना है, क्योंकि अभी व्हीकल बिल में काफी सारे अमेंडमेंट हुए हैं। पहले हम दुर्घटना करते थे तो हमारे को वेलेबल ऑफेंस थी, हमको थाने से जमानत मिलती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब अगर आपका दोष सिद्ध होता है, मीन्स दुर्घटना पूर्वक वाहन, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करना, पहले आप ये होता एक्सीडेंट कर दिया, आप थाने में चले गए, वकील आ गया, अवेलेबल ऑफेंस थी, विद इन 24 आवर्स आपकी जमानत होती थी। लेकिन अब जो नया मोटर व्हीकल बिल में अमेंडमेंट हुआ है, अगर आपकी गलती कहीं प्रूफ हो जाती है, क्रैश टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में आप अपराधी पाए जाते हो, तो आपके साथ जो धाराएं लगेगी वो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगी। पीछे तो लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करना, आप बच नहीं सकते हो। सरकार काफी प्रयास करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बिना डर के नहीं सुधरते हैं, लेकिन हमको हमारी आदतों में चेंज करना पड़ेगा, आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। जहां पर ये निशान आ रहे हैं इसका मतलब ये कि मुझे पैदल यात्रियों को पूरा सम्मान देना है, पूरा रेस्पेक्ट करना है, पूरा उसको जाने का अधिकार देना है। अब एक चीज और मैं आपसे अगर पूछता हूं कि मेरे को किसी गली की सड़क से मुख्य सड़क पर आना है, से मुझे हाईवे पर मर्ज करना है, हाईवे पर मिलना है, मेरे पास साइकिल है, टू व्हीलर है, पैदल हूं, फोर व्हीलर है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो वहां पर एक
नियम होता है, कानून होता है, वो क्या नियम होता है, मुझे किसी भी गली की सड़क से मुख्य सड़क पर मर्ज करना है, मिलना है, उसके अंदर जाना है, वहां पर एक नियम कानून होता है, हमारा बनाया हुआ कानून है, वो शायद किसी को नहीं पता। वो हॉर्न बजाएंगे, इंडिकेटर लगाएंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे और अंदर मर्ज कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको उस गली की मुख्य सड़क पर एंड पर आने से पहले अपने गाड़ी को रोकना है, आप मीन्स मुझे सीधे हाथ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको जाने के लिए पहले चांस देना है, जिससे मैं दुर्घटनाओं के आंकड़ों के, दुर्घटना को, संभावनाओं को कुछ कम कर सकूं। और यही जानकारी स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को भी देनी है, वही प्रयास हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, बराबर हम लोग करते रहते हैं। स्कूल कॉलेज में जब हम लोग जाते थे तो उस समय हमारी पोजीशन ये थी कि स्कूल कॉलेज कभी भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता था कि तुम डेढ़ घंटा बिगाड़ोगे हमारे बच्चों को, सड़क सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स लेने आते हैं, पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं या बच्चे गाड़ी लेके आते हैं, तो बच्चे अपने आप कर लेते हैं। जब धीरे धीरे हमने उनको बताया, मैं जैसे छोटा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल था उदयपुर में, तो मैंने जब प्रिंसिपल को बोला कि सर मैं आपके यहाँ पर फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने सर आपके यहाँ पर एक रोड सेफ्टी चैप्टर लेसन लेना चाहता हूँ एक डेढ़ घंटे का, तो पहले उन्होंने बैठ के समझा, बोले क्यों? मैंने कहा सर हमने ये कोशिश करी कि मैंने सड़क दुर्घटना को कम करने की बोल है, मैं इसको जाने का रास्ता पहले दें, उसके बाद ये सारे आदेशात्मक निशान है, मतलब इसका कहना आपको मानना ही मानना है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नो एंट्री ऑफ व्हीकल, कोई भी गाड़ी जा नहीं सकती, दोनों में से कोई भी गाड़ी नहीं आ जाएगी, ठेला गाड़ी नहीं आएगी, पैदल यात्री नहीं आएंगे। फिर हम आते हैं मैंडेटरी साइन पर, इंफॉर्मेटरी साइन पर, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। अब एक ये बड़ा निशान है, एक ये और एक ये निशान हमको कंफ्यूज करता है, ये होगा रेस्ट रूम आराम करने की जगह, ये हो गया आपका हॉस्पिटल, प्लस एक निशान वही आ गया बीच में, इसका मतलब हो गया आपका फर्स्ट एड पोस्ट। तो आप जब ऐसी कोई स्थिति में आते हैं, जब आपको कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिलता है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा मुझे यहाँ ले जाऊं या फिर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, ये आपको सेल्फ डिसीजन लेने पड़े। ये कुछ सड़क की मार्किंग है, रोड मार्किंग, जिसकी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कब क्या डिसीजन लेना है, कब हमको किस तरह की डिसीजन लेने हैं, किस प्रकार की सड़कों पर हमको चलना है। बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट, सबको पता है इसमें अपन समय खराब नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें मेरे पास अभी हैं। डायरेक्शंस ऑफ साइंस, लोग भी, हमने क्यों आठवीं पास कमर्शियल लाइसेंस किया, ये शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये सिंपल सा इसका देखिए, आप एक उदाहरण देखिए, अगर एक राजस्थान का ड्राइवर कर्नाटक में गाड़ी लेके गया तो कर्नाटक की भाषा को नहीं समझता, ट्रिक किया है कि कम से कम आठवीं पास हो तो उसको ईस्ट वेस्ट फोर्स ये वो कुछ तो चीजें पढ़ने में आवे, इसलिए कमर्शियल ड्राइवरों को आठवीं पास किया गया था। तो जो लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, वो ड्राइवर को वहां पर जाके परेशानी नहीं हो। ये छोटे से एक रोड साइनेज की हम लोग बात कर रहे थे। फिर हम लोग आगे जब आते हैं व्हीकल, तो हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, इसकी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो हमको नहीं पता होता, हमको कौन से पार्ट में कब क्या चीजें करनी है, क्या चीज नहीं करनी। ड्राइवर को हर टेक्निक को पढ़ना आना चाहिए। जैसे आप सवेरे सवेरे गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो आपको बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को स्टार्ट करनी है, एक्सीलेटर पर पांव नहीं रखना है बिल्कुल भी, 3 सेकंड तक इग्निशन को ऑन रखना है, उसके बाद गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है। आईकेट सिस्टम आज की तारीख में हर गाड़ी में आ रहा है, इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज एंटी थेफ्ट सिस्टम्स टेक्नोलॉजी। इस चाबी से हम लोग जनरली क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में चाबी को पकड़ के हर कहीं घिसते रहते हैं, लेकिन अब आपको जानकारी होना चाहिए कि जब ये गाड़ी में उसमें चाबी जब मेरी उस गाड़ी के अंदर लगेगी इग्निशन के अंदर, तब ही मेरा फ्यूल आगे आएगा, अदरवाइज फ्यूल आगे नहीं आएगा, और जब फ्यूल आगे नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हमको इससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल की बात करता हूं तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मैंने गाड़ी खरीद ली है, क्या मेरे पास उस गाड़ी को खरीदने का, लेकिन मैंने गाड़ी खरीद ली। तो आईकेट सिस्टम एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, हमको गाड़ी की चाबी से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये देखिए,
पुराना जमाने में जो गाड़ी आती थी वो बोनट ऐसा होता था कि बोनट जब गाड़ी आगे से भिड़ती आगे से टकराती तो पूरा बोनट पीछे तक आ जाता। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट के समय आगे का बोनट इस तरह से क्रम्पल हो जाता है, ये इस तरह से जो मैं आपको दिख रहा हूँ, जैसे मेरी उंगलियां हैं, जैसे मेरी उंगलियां हैं, ये मेरी क्रम्पल जोन का काम करती है। अगर मेरी उंगलियां स्ट्रेट होती और मैं दीवार में मारता तो ये उंगली मेरी, देखिए ये लाइट दिख रही है और एक ये नीचे सिस्टम से लगा रहता है। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक एक सिस्टम जो व्हीकल ऑफ इंजीनियरिंग में आगे देख रहे हैं क्योंकि तो समय कम है इसलिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी देख रहे हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, पुराने जमाने में हमारे जो ब्रेक आते थे वो ड्रम ब्रेक्स आते थे, उनकी एफिशिएंसी कम होती थी। तो अभी ये जो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, अब इसमें सबसे बड़ी हम इनके ऊपर व्हील केप लगा देते हैं, बाजार से खरीद के बढ़िया प्लास्टिक की केप लगा देते हैं, प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं, जबकि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो डिस्क है ये 100, 120, 140 की स्पीड से चलते हुए गाड़ी को सडन रोकती है, पकड़ने की कोशिश करती है। जब पकड़ने की कोशिश करेगी तो बहुत ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर उत्पन्न होगी, जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इन छेद से छोटे छोटे छेद से ऊर्जा बाहर निकलेगी इसके अंदर। जनरली पावर स्टेरिंग की जरूरत हमको सिटी में पड़ती है, हम जब लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं हाईवे पे हमको पावर स्टेरिंग चाहिए, ये गलत तरीका है। पावर स्टेरिंग हमको सिटी वाले एरिया में पड़ती है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में पड़ती है, पार्किंग एरिया में पड़ती है, जहां पर मुझे गाड़ी को 3-4 बार आगे पीछे लेना होता है। हाईवे पर तो आपकी गाड़ी की कॉन्स्टेंट स्पीड है, घुमाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें एक VSS सेंसर लगा होता है, व्हीकल स्पीड सेंसर, जो गाड़ी को 60 है ओवर एंड अबव 60 और उसके ऊपर स्पीड जाने पर वो उस स्टेरिंग को नॉर्मल स्टेरिंग में चेंज कर देता है। तो मुझे हाईवे पर पावर स्टेरिंग की जरूरत नहीं है, मुझे पावर स्टेरिंग सिटी में चाहिए, पार्किंग एरिया में चाहिए। अब ये देखिए एक बहुत बड़ी जानकारी की बात है, हमने बहुत सी गाड़ी में देखा होगा आगे बम्पर के आगे लोग स्टील के बुल गार्ड्स लगाते हैं गाड़ी को बहुत अच्छा दिखने के लिए, जबकि ये हमको नहीं लगाना है। ये सरकार की तरफ से भी नियम आया था, कानून आया था, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग मानते नहीं। इसके वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज जो रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंपनी का, वो हमेशा नए नए सिस्टम को रिसर्च करता है। तो अब ये दोनों तीनों चित्र में, ये दोनों तीनों चित्र में अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए इस आदमी का जो पांव है वो बम्पर के माप है। तो इसकी डिजाइन इस तरह से की करी कि अगर हल्की स्पीड में पैदल यात्री को जब भी कोई झटका लगता है, चोट लगता है, तो वो देखिए अब बोनेट की तरफ गिरेगा, सड़क पर नहीं। अब जब हम हाईवे पर चल रहे होते तो अब जो गाड़ी जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, डिक्की के ऊपर एक लंबी रेड कलर की पट्टी होती है जो ब्रेक लाइट इसके ऊपर होती है, ताकि जो पीछे दूर की गाड़ी आ रही है उसको पता चल जाए कि कोई गाड़ी जा रही है, उसने सडन ब्रेक किया। स्पीड गवर्नर, रिवर्स सेंसर, अब कितनी बार हम रात को जैसे हाईवे में जब चलते हैं तो पीछे लगा रहता है कि यूज डिपर एट नाइट, लोगों को नहीं पता, तो उसको भी कम करने के लिए हमने जो ऑटोमोबाइल सिस्टम्स हैं उन्होंने ऑटोमेटिक हेडलाइट डिपर सेंसर्स भी दिए हैं जो ड्राइवर ग्लास के ऊपर लगा रहता है, और जैसे किसी गाड़ी की लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो हमारी गाड़ी की, मेरी गाड़ी का ऑटोमेटिक डिपर नीचे हो जाएगा। एयर प्रेशर सेंसर, सीट बेल्ट नॉट वेयरिंग सेंसर, पार्किंग सेंसर और रेन वाइपर सेंसर, ये छोटी मोटी चीजें हैं जिसका हमको पालन करना है, जिसके बारे में हमको, तो किसी को कोई सवाल हो तो अपन बात कर सकते हैं। जी सर, ओके 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 ठीक है। तो Thank you.
हेलो इन्होंने दो वीडियो चालू कर रखे हैं ना, एक तो नारायण ने कर रखा है, एक कोई माही है इनका वीडियो, दो कैमरे चालू है। इसको क्या हुआ? ये सर मैं आपको एयरबैग रहा हूँ, ये एयरबैग कैसे खुलेगा ये देखिए। कुछ सेकंड का समय भी नहीं लगता है एयरबैग को खुलने में, जैसा कि हम सबको बताते हैं बच्चों को आगे नहीं। ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इसके बाद सर हम जब बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की, रोड साइनेजेस की, रोड सिग्नल्स की, व्हीकल इंजीनियरिंग की, अब हम बात करेंगे सर एमरजेंसी रेस्पॉन्स, जो हम लोगों की बात कर रहे हैं एमरजेंसी रेस्पॉन्स में पूरा चकना चूर हो गया। एक व्यक्ति जिसकी स्पाइनल कॉर्ड बैंड हुई थी, बात करते सर फर्स्ट रेस्पॉन्स, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर मेरी आपको? अब हम बात करते हैं सर फर्स्ट रेस्पॉन्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स। तो जैसे कोई दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद जो अहम रोल होता है वो रहता है फर्स्ट रेस्पॉन्डर की। अभी जो मेरे पास, मैंने परसों एक रिसेंटली रोड एक्सीडेंट के पास में जाके आया, स्पाइनल कॉर्ड का एक केस था। फर्स्ट रेस्पॉन्डर की हम जो बात करते हैं, आदमी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास पहुंच भी गया, कोशिश भी कर रहा उसकी सेवा करने की, तो दो आदमी बुलेट पर थे, एक ओवर स्पीड ट्रक ने उनको कुचल दिया, वो भी सुखेर अमेरिकाई एक स्पोर्ट। तो जो फर्स्ट व्हीकल था, जो लड़का था, जो बाइक राइडर था, उसको ट्रक ने ऐसा कुचला कि उसका बॉडी का आधा हिस्सा ट्रक के टायर के नीचे था, और जो दूसरा व्यक्ति था उसके स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत थी। अब जब स्पाइनल कॉर्ड में उसकी दिक्कत थी और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था उसको ये नहीं पता कि हाउ टू हैंडल, इसको कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि सर बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपको फर्स्ट रेस्पॉन्डर और फर्स्ट एक घंटा जो गोल्डन आवर्स है उस पर लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। मैंने जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनको भी मैंने काफी ट्रेंड किया है, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका जनरली ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी अपनाते हैं, क्योंकि जहां पर भी सिटी में दुर्घटनाएं होती है ऑटो ड्राइवर हमेशा वहां पर अवेलेबल रहते हैं। तो उसने स्पाइनल कॉर्ड का उसको जानकारी नहीं, उसने लेटे हुए व्यक्ति को तुरंत उठा लिया और उठाते ही उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कहीं किसी बैठ गई। तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका, फर्स्ट रेस्पॉन्डर को ट्रेन होना जरूरी है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका होनी जरूरी है। अब सर हमको कुछ ऐसे ट्रेंड्स करने होंगे, कुछ लोगों को ऐसे ट्रेंड करने होंगे जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका ही निभा सके, उनको इतना ट्रेंड हमको करना होगा, बाकी जानकारी के अभाव में उस व्यक्ति को वो, अगर वो नहीं भी मर रहा होगा तो भी उसको मार देंगे,
जनरली लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास जा रहा हूँ तो मुझे उसके साथ किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए। अब लोग चिल्लाते हैं उसके ये दर्द से चिल्ला रहा है, इसको पेन रिलीवर दे दो, पेन किलर दे दो, पता नहीं उसके कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन सी दवाएं चल रही है, ये मुझे नहीं पता। जबकि दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति को आपको कुछ भी देना मना ही है। तो ये हमको एक लोगों को जागरूक करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, और उनको जैसे कि अगले चैप्टर में आपके CPR और उसकी बैंडेज ट्रेनिंग भी है। हम जो आपको अगर मैं एक लाइव सेशन में ले जाना चाहूँ, किस लेवल के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मैंने आत्म साक्षात किए हैं, मैंने देखे हैं, तो सर एक बार तो रूह कांप जाती है देखने के बाद। मैं आपको डराने के लिए पिक्स नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जीवन का कड़वा सत्य बता रहा हूँ कि कुछ समय पूर्व और कुछ समय बाद की कल्पना परिकल्पना क्या होती है। मैं जब इन ये सड़क दुर्घटना में घायल ऐसे लावारिस लोग हैं, तो मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि गलती किसी और की, सजा कोई और भुगत रहा है। ये ऐसे लावारिस लोग हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन ये किसी और की गाड़ी का शिकार ये खुद हो रहे हैं। सही है, अभी लेडीज है, इसको एक अज्ञात वाहन वाला टक्कर मार गया, उसके हाथ पांव सब तोड़ दिया, इसको खड़े रह के हमने ट्रीटमेंट कराया था। ये बेचारे लावारिस लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होते हैं। अब जिस जो सक्षम है, जिसके पास पैसा है, वो तो अपना इलाज करा लेगा, वो तो सब कुछ करा लेगा। लेकिन जो इस प्रकार के लोग हैं, जो किसी गाड़ी वाले की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गए, अशुद्ध, तो इनका कौन रखवाला होगा, इनका देखभाल करने वाला कौन होगा? मेरी ओवर स्पीडिंग, मेरी लापरवाही की वजह से मैंने किसी और को कुचल दिया, किसी और की टांग तोड़ दी, बच्चों के प्रति कितना केयर कर रहा हूँ, या मेरे कितना मैं एक सजग हूँ, सजग नागरिक हूँ कि मेरे स्कूल वालों को ये नहीं पता कि वो जो ड्राइवर है उसने शराब वाहन चला रहा है। तो हमें छोटी मोटी जानकारियों का जानकारी होना जरूरी है सर, अदरवाइज। अब उस जब उसने बच्चे को मार दिया, बच्चे को मारने के बाद जब गाड़ी को बहुत स्पीड में लेके भागा, तो उसकी गाड़ी में उस समय 25 बच्चे और बैठे हुए थे, उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहा था वो। ये सर मेरे सामने लाइव चीजें ली हुई है। ये सर दो दो मासूम बच्चे हैं, इनके फादर मेंटल डिसेबल्ड है, इसकी माँ को एक ओवर स्पीड ऑटो रिक्शा ने कुचल दिया, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इन दोनों बच्चों को हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। और ये सर कुछ चीजें ऐसी है जो दिल दहला देती है। ये इनकी माँ है सर, जिसको एक ऑटो ने कुचल दिया था। ये एक बूढ़ी माँ है 65 साल की, इकलौता, और उसको रात को एक ड्रिंक एंड ड्राइव ओवर स्पीड ने कुचल दिया। आज ये माँ बेहद आ रहा है, हम लोग साथ में खड़े हैं। इसकी सड़क दुर्घटना में घायल जो लावारिस लोग हैं, इन बच्चों के फादर को सड़क दुर्घटना ले लिया, इसकी माँ आंखों से अंधी है, तो दिखाई नहीं देता। सर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि किसी कमाने वाले की रोड एक्सीडेंट डेथ होने के बाद उस परिवार की हालत क्या हो जाती है। जब तक पिताजी है सपने देखते हैं, माँ सपने देखती है, बाप पूरा करने की कोशिश करता है, बाप के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सर दुर्घटनाओं को हम लोग ऑन स्पॉट पहुंच कर इस तरह से हेल्प करते हैं लोगों की। ये ड्राइवर ट्रेनिंग होती है सर, हम लोग जगह जगह जाकर ड्राइवरों को ट्रेनिंग देते हैं, ढाबा पर जाकर ड्राइवर को ट्रेनिंग देते हैं कि भाई तुम अपनी जिंदगी को भी संभालो और दूसरे। तो हमारे पास सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, इन आंकड़ों को कम करने के लिए, इन दुर्घटनाओं के जो डरावने भयंकर आंकड़े हैं, उनके बाद की जो गतिविधियां हैं, उन सबको रोकने के लिए जब हम बात करते हैं, हैवी पेनल्टी जिस हम कितनी बार बात करते हैं कि सर हैवी पेनल्टी लगा दो, सर मुझे बताएं कि क्या हैवी पेनल्टी लगाने से लोग इन रोड एक्सीडेंट्स को रोक लेंगे क्या? जब तक कि मैं उनकी आदतों में बदलाव नहीं लाऊंगा, आप पेनल्टी के डर से चौराहे पर तो हेलमेट लगा देंगे, चौराहे क्रॉस होते ही वापस हेलमेट से बाहर आ जाएंगे। सीट बेल्ट लोगों को जानकारी नहीं है, लगाते ही नहीं है सीट बेल्ट क्यों। ओवर क्राउडिंग, अपने बच्चे को बाइक की टंकी पर बिठाकर, जैसे मैंने अभी एक बच्चे के पास में गया था एक फैमिली के साथ, मैंने जिसको लाइव एक्सीडेंट्स जब मैं देखता रहता हूँ या मैं जाता रहता हूँ, एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को टंकी में बिठा रखा है और सामने ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था, उसको देख के वो बस, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी हेलमेट, क्योंकि मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट दिखाना चाह रहा था आपको। रात को ओवरटेक करने का सही तरीका क्या है सर? रात को ओवरटेक करने का सही तरीका ये है कि हम लोग अभी तक जो तरीका अपना रहे हैं सर, वो ये तरीका अपना रहे हैं कि मेरे को रात को अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, मैं डिपर लगाऊंगा और सामने वाली गाड़ी राइट हैंड साइड का इंडिकेटर लगाएगा और मैं अपनी गाड़ी को क्रॉस करूंगा।
अभी तक यही तरीका चल रहा था, भारत की पुरानी पद्धति, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जब बने हुए थे तब गाड़ियां भारत की सड़कों पर कम हुआ करती थी, बड़े बड़े हाईवेज बन गए, अब गाड़ियां तो काफी कुछ बदलाव हो गया। उन बदलाव के चलते हमें सड़क की जानकारी, सड़क की शिक्षाओं में भी काफी कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो अब जब मैं किसी, सपोज करो कि मैं उदयपुर से अहमदाबाद जा रहा हूँ, मुझे सड़क की जानकारी नहीं है, अब मेरे से आगे एक गाड़ी वाला चल रहा है जिसको पता है कि कुछ आगे चल के राइट हैंड में उसका गांव में मुड़ना है, मैंने पीछे से डिपर लगाया ओवरटेक करने के लिए, उसने गांव में मुड़ने के लिए इंडिकेटर लगाया राइट हैंड साइड में, तो जो मेरी एक आदत है कि मैंने डिपर लगाया वो राइट साइड का इंडिकेटर लगा रहा है, मीन्स वो मुझे जाने की परमिशन दे रहा है। जैसे मैंने डिपर लगाया उसने राइट का इंडिकेटर लगाया और मैंने अपनी गाड़ी को फास्ट स्पीड करके उसमें मर्ज कर दिया, वो मुड़ा और मैं आगे गया। तो हम चेंज ऑफ बिहेवियर की, जो मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। अब हम ड्राइवर को जो तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई जब भी तेरे से कोई गाड़ी रात को ओवरटेकिंग के लिए परमिशन मांगेगी तो आपको लेफ्ट हैंड वाला इंडिकेटर जलाना है, और उसको संकेत पीछे वालों को ये लगेगा कि हे रोड यूजर, हे सड़क उपयोगकर्ता, आप जब तक मुझे क्रॉस नहीं करोगे मैं लेफ्ट में ही बना रहूंगा, किसी भी स्थिति में मैं अपनी गाड़ी को राइट साइड में नहीं लाऊंगा। तो ये चेंज ऑफ बिहेवियर, इन बदलाव में लाना जरूरी है। कुछ छोटी मोटी चीजें जो हमको आमतौर पर देखने को आती है कि जब एक माँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है, उसको नहीं पता कि सड़क की भाषा क्या है, उसको नहीं पता सड़क पर चलने का सही ज्ञान क्या है, सही शिक्षा क्या है, तो वो जनरली, माई हाथ देना एक मिनट आपका, वो जनरली उस बच्चे की इस तरह से उंगली पकड़ के चलती है, ये देखिए सिंपल, ये बच्चा है और इस तरह से वो उस बच्चे की उंगली पकड़ के चलती है, दिख रहा सर। सडनली माँ के पास कोई फोन आ गया, वो उस फोन में बिजी हो गई, बच्चे ने आइसक्रीम का थैला देख लिया रोड के उस तरफ और बच्चे ने उंगली छुड़ा ली और आइसक्रीम लेने के लिए भाग गया। अब जैसे आइसक्रीम लेने के लिए भागा और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी उसको नहीं पता कि तेरे को लंबी लाइफ भी जीनी है, बेटा मैंने तुझे 1.5 लाख की गाड़ी दे दी लेकिन तुझे हेलमेट भी लगाना है, तुझे मैंने इतनी बड़ी गाड़ी दी है लेकिन तुझे उसके साथ सीट बेल्ट भी यूज करना है, ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। तो हम जब उस बच्चे को ये ट्रेंड देंगे, ये शिक्षा देंगे, बेटा देख जब बस खड़ी है तो आपको बस के पिछवाड़े की तरफ खड़ा होना है, आगे नहीं, क्योंकि वो बच्चा बच्चा जब बस के आगे खड़ा रहेगा तो एक तो ड्राइवर भी हाईवे पर जब कोई कट है, मीडियंस है वहां पर, उस हाईवे पर कुछ पहले वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, इट मीन्स आगे सड़क के बीच में, हाईवे के बीच में कट है, तो मुझे अपनी गाड़ी को 200 मीटर पहले स्पीड कम करनी है, स्लो डाउन करनी है और मेरी गाड़ी को राइट से लेफ्ट में ले लेनी है, ये मुझे जानकारी करवानी है। रात को गाड़ी चलाते समय, अब मैं हाईवे पर हाई डिपर चला रहा हूँ या सिटी में हाई डिपर चला रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, मुझे डिपर का प्रयोग कब करना ये मुझे नहीं पता। तो हम जब भी सिटी में गाड़ी चलाएंगे तो लो डिपर में गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि जनरली सिटी में सड़क के किनारे बहुत सारी, उसको पता है कि आगे सड़क पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, आगे रोड पर कुछ इंटरसेक्शन कुछ खड्डा है, या आगे सड़क पर कुछ ऐसा अवरोध है जिसकी वजह से मैं गाड़ी को राइट में लूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे को जानकारी के अभाव में मैं सीधा सीधा अंदर घुस गया और उसने गाड़ी को राइट में ले लिया। तो जब तक वो आउटसाइड रियर व्यू मिरर में देख कर जाने की परमिशन नहीं दे तब तक मुझे उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है, लेकिन क्योंकि मुझे जानकारी का अभाव नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, अभाव है। बहुत से चौराहे पर हम लोग देखते हैं कि येलो ब्लिंकिंग लाइट्स होती है, हाईवे पर भी होती है, हमें उसका मतलब नहीं पता, रेड ब्लिंक होती है हमें उसका मतलब नहीं पता, हम अपनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं बस, मुझे तो यहां से वहां पहुंचना है और 8 घंटे में पहुंचना है, 6 घंटे में पहुंचना है टारगेट करके आया हम घर से। अब मैं अगर किसी हाईवे पर चल रहा हूँ, हाईवे पर जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ येलो ब्लिंकिंग लाइट से, इट मीन्स मुझे अपनी गाड़ी की, वहां पर आपको कोई ट्रैफिक का जवान नहीं मिलेगा, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है, दाएं बाएं देखना है और उसके बाद मेरी गाड़ी की स्पीड को ऑन में करके चलना है। जहां पर मुझे रेड ब्लिंकिंग लाइट दिखेगी वहां पर मेरी गाड़ी को रोकना है, दाएं बाएं देखना है, उसके बाद गाड़ी को चलाना है।
लेकिन क्योंकि एजुकेशन मुझे और आपने इतने बड़े सब्जेक्ट पर काम करने का सोचा, क्योंकि एक आम व्यक्ति की जिंदगी का मैं तो उसको नहीं पता होता जितना उसकी फैमिली को पता होता है, और आपने इतने बड़े कोर्स पर काम करने का सोचा, ये अपना मैं क्योंकि मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे देखा है। और आपने जब सोचा इस चीजों पे, जैसे अरुण सर भी काफी काम कर रहे हैं, जब आपने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया तो मुझे लगा कि अब शायद अपन कुछ कर सकते हैं। ये हमें सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में सबसे अच्छा हमें मौका दिया है, हमारे वाइस चांसलर सर ने हम लोग मौका दिया है, तो हम बिल्कुल इसमें निराश नहीं करेंगे और सेंटर अपनी तरफ से पूरे कार्य इसमें जारी रखेगा। हाँ जी, ओवर टू यू अरुण जी। यस क्या कह रहे हो? हाँ जी को हेलो। नारायण जी, नारायण जी आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, काफी इन्फॉर्मेटिव था, और एज यूजुअल मैंने पहले भी आपके लेक्चर्स काफी सुने हुए हैं तो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और एक थैंक यू, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगी जुड़ने के लिए, नारायण सिंह जी, अरुण शर्मा जी एंड हितेश का संचालन करने के लिए, थैंक यू सो मच। और कल आपसे मुखातिब होते हैं, और नारायण सिंह जी आपके फाउंडेशन और आपसे हम सेंटर जुड़ा रहेगा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी मैम, हमें बहुत खुशी होगी कि आपने इस तरह से एक आगे कदम बढ़ाया है, और शायद भगवान ने चाहा तो हम राजस्थान में इन आंकड़ों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि जो 1.5 लाख का इंडिया का आंकड़ा है उस। थैंक यू सर।